अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जैसे कि हमारे बैंक नोट प्रेस ये स्कूल में होता है, वही हिस्सा इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई गई है। इस प्रकार की सबकी परमिशन, गाड़ियों की परमिशन, भवन की परमिशन, हेलीकॉप्टर की परमिशन, हर चीज की परमिशन के लिए हमारा सिंगल इसके अलावा हेलीकॉप्टर की परमिशन के लिए एडीएम साहब को अधिकृत किया गया है, वही जारी करेंगे। इसके अलावा जो परमिशन है, ग्राउंड की परमिशन, व्हीकल्स की परमिशन, और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामांकन की प्रक्रिया की बात करें, सोनकच विधानसभा की नामांकन सोनकच एसडीएम ऑफिस बागली विधानसभा, बागली एसडीएम ऑफिस, कन्नौज हाथीगांव विधानसभा, हाथीगांव एसडीएम ऑफिस, देवास विधानसभा, कलेक्टर कोर्ट, हार्ट पिपलिया विधानसभा एडीएम, इस प्रकार से ये पांच जगह नामांकित है जहाँ पर हमारे नामांकन दाखिल किए इस समय ने सारे अनुमतियों के लिए अप्लाई करें। कोई कम इसलिए आक्षेप न लगा कि आपने दी नहीं अनुमति। अगर आप एकदम ऐन मौके पर अनुमति के लिए अप्लाई करेंगे और मान लीजिए वो अनुमति किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो ऐसी चीजों में क्लैश होने की संभावना रहती है। आज सबको ये समझाइश दी गई है कि समय रहते प्रेफरेबली 48 आवर्स बिफोर इवेंट को अनुमति के लिए अप्लाई करें। मान लीजिए वो बेड रिडन लोग हैं या इतनी हालत खराब है कि उन्हें कंधे पे लाना पड़ रहा है, तो ऐसे लोग चुनाव प्रक्रिया से वंचित ना रहे, उनके लिए होम वोटिंग का प्रावधान भी रखा है। इसके लिए फॉर्म 12D होता है। जिस व्यक्ति को इस चीज का लाभ होता है वो फॉर्म 12D भरेंगे और घर जाके उनकी वोटिंग कॉस्ट है वो सारा का सारा कैंडिडेट के लिए। ब्रॉडली आई थिंक हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। एक ये है कि आप कोई व्यक्ति नया किराएदार रखते हैं आगे, ये सब चीजें ऐसी हैं जो साल भर इन्फोर्स होती है, पर इस बार थोड़ा सा एनसीसीएम होती है तो थोड़ा सा और सख्ती से हो चुकी है। कोई भी नया किराएदार रखता है कृपया करके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। होटल लॉजेस उनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की लिस्ट उनके मालिक लगातार संबंधित थाने में उपलब्ध करवाएंगे। कहने का मतलब कोई भी इस प्रकार की यदि मूवमेंट हो रही है जिले में जिसके बारे में लगता है कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, तो वो सब आपको इन्फॉर्म करनी है। उस ड्यूटी को एक मोर ऑफ अमली जामा पहनाने के लिए 140 लगाया। गाड़ियों की परमिशन, भवन की परमिशन, हेलीकॉप्टर की परमिशन, हर चीज की परमिशन के लिए हमारा अब सिंगल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की परमिशन के लिए एडीएम साहब को अधिकृत किया गया है, जिले भर में हेलीकॉप्टर की परमिशन वही जारी करेंगे। इसके अलावा जो परमिशन है, ग्राउंड की परमिशन, व्हीकल्स की परमिशन, वो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा जारी की जाए। सबसे निवेदन ये अभी किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि समय रहते कोई सारी अनुमतियों के लिए अप्लाई करें। कोई कल तो इसके आक्षेप ना करें कि आपने दी नहीं अनुमति। अगर आप एकदम ऐड मौके पर अनुमति के लिए अप्लाई करेंगे और मान लीजिए वो अनुमति किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो ऐसी चीजों में क्लैश होने की संभावना रहती है। आज सबको ये समझाइश दी गई है कि समय रहते प्रेफरेबली 48 आवर्स बिफोर द इवेंट को अनुमति के लिए अप्लाई करें। प्रस्तुत करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर रहेगी। इसके बाद उसकी समीक्षा होती है उसके नेक्स्ट 31 अक्टूबर को, और उसके दो दिन के बाद नाम वापसी की लास्ट डेट रहेगी, मतलब 2 नवंबर।
उसके बाद मतदान का दिन पोल डे वो 17 नवंबर का रहेगा, और फाइनली काउंटिंग का डे वो हमारा 3 दिसंबर का। 5 दिसंबर वुड बी द लास्ट डेट जब इलेक्शन क्लोजर हो जाएगा। तो हमारे लिए मोटा मोटा जो डेट्स याद रखने लायक है वो आपको बताई गई। अब विधानसभा की तुलना में कुछ बड़े हैं। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है 1398 थे हमारे पोलिंग बूथ, इस बार बढ़ के 1418 पोलिंग बूथ। इसमें यदि हम क्रिटिकल मतदान केंद्रों की बात करें तो 1418 में 370 हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र होंगे। क्रिटिकल मतदान केंद्र वो होते हैं जो हमारे किसी ना किसी रीजन की वजह से फंसते हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पिछली बार वहाँ बहुतायत में वोट हुआ, या फिर किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में बहुतायत में वोट हुआ, या फिर बहुत कम वोट हुआ जहाँ, या फिर जो हमारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंसिटिव है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर हम किसी को क्रिटिकल मतदान केंद्र बोलते हैं। उसमें हम थोड़ी सी विशेष सुविधाएं देते हैं, जैसे कि उसका पुलिस बल अधिक रहता है, वीडियोग्राफी होती है वहाँ क्रिटिकल होने के नाते वेबकास्टिंग की सुविधा भी रहती है वहाँ। अमूमन हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्रिटिकल में रहेंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं आज आचार संहिता लग गई है, और एक परंपरा है कि जिस दिन आचार संहिता लगती है उस दिन प्रशासन और पुलिस मिलकर 2 मीटिंग शनिवार रूप से करते हैं। पहली पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टैंडिंग कमेटी के रूप में, और दूसरी हमारे मीडिया के साथ। ब्रॉडली जो हमारी समरी है चीज़ों की वो हम आपको आज रिलीज कर रहे हैं। भंडारा मोड़ ये सब मना किया है, शहर में परमिशन, विद परमिशन हर चीज अलाउड होगी, जो भी आपको ले चलना है परमिशन, जो भी चीजें 144 में लिखी होंगी आपको आदेश पर मिल गई होगी, नहीं मिलेगी तो अपील। जो शहर के अंदर जो भंडारा होता है वो नहीं होगा, इसमें अनुमति लगेगा, अनुमति लगेगी, आप मना किसी चीज से नहीं लेता है, अच्छा आप माता जी के जैसे पांडा लगेंगे, कोई अभ्यर्थी में चला जाता है वो प्रत्याशी अगर चला जाता है अतिथि स्वरूप, अतिथि स्वरूप जाता है और उसके साथ काफ़ी भीड़ आती है, इसका 50% तो ही आएगा। अब इसके लिए यही अभी आपकी मीटिंग से जस्ट पहले पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग थी, उसमें भी ये वीडियो चल रहा है। उसके बाद ये आ गई कि यदि अतिथि के रूप में जा रहे हैं बिल्कुल जाइए, स्वागत है आपकी कीजिए, लेकिन वहाँ पर वोट डाल वहाँ चुनाव का प्रचार प्रसार यदि होता है तो प्रचार खर्चा जोड़ा जाएगा उनके हालांकि सुबह से हर मीडिया रूप में चल रहा है, बट फिर भी औपचारिक रूप से हम रिपीट करते रहे हैं। निर्वाचन की घोषणा आज हो गई है 9 तारीख को, निर्वाचन की अधिसूचना या नोटिफिकेशन ये 21 अक्टूबर को होगा। कहने का मतलब उस दिन से नॉमिनेशन प्रक्रिया चालू होगी। गुड मशीन हमको कहीं से भी मशीन बाहर से लाने की आवश्यकता मतगणना और स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पर। इस प्रकार के यदि किसी का प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसको हम रिमूव करते हैं। और तीसरा 72 घंटे में प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे इस प्रकार की यदि चीज़ें लगी हैं उनको हटाते हैं, यदि वो विदाउट परमिशन होगी। अगर परमिशन ली गई है ओनर के द्वारा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप हमेशा, बट विद परमिशन। इसके अलावा अभी 8 या 9 आदेश जारी किए हैं ब्रॉडली, ये भी आपको उनके बारे में हम ब्रीफली बता दें। ये स्कूल में होता है वही इस बात नामांकन की प्रक्रिया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नामांकन की प्रक्रिया की बात करें सोनकच्छ विधानसभा
की नामांकन सोनभद्र एसडीएम बागली विधानसभा बागली एसडीएम ऑफिस कन्नौज खातेगांव विधानसभा खातेगांव एसडीएम ऑफिस देवास विधानसभा कलेक्टर कोर्ट आठ बीपीआर विधानसभा एडीएम इस प्रकार से ये पांच जगह झांकित है जहाँ पर हमारे नामांकन दाखिल किए जाए जिसके अंतर्गत पांच या पांच से यदि अधिक व्यक्ति यदि एकत्रित होते हैं तो उनपे बेसिकली परमिशन हो जाएगी कि कहने का मतलब कोई रैली नहीं है या तो प्रोसेशन निकाल देंगे या कहीं पर जमावड़ा हो रहा है स्पीच हो रही है वो सब चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग परमिशन फ्रॉम रिटर्न। इसके अलावा हथियारों के बारे में बता दिया। एमसीसी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल से चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि 15 तारीख के आसपास हमारे नजारे भी चालू हो रहे हैं पंडाल ये लगेंगे। आज पॉलिटिकल पार्टी को इस बात की भी समझाइश की गई है कि किसी भी पंडाल का उपयोग वोट गार्डन करने के लिए या रहेगा 1418 ही हमारे आदर्श मतदान केंद्र हैं बट 50 हम डेजिग्नेट करेंगे क्योंकि पोलिंग बूथ जो हम आदर्श मतदान केंद्र के रूप में रखेंगे। इसके अलावा 75 ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जो शुद्ध रूप से विमेन मैन होंगे मतलब चारों उसमें मतदान कर्मी हमारी महिलाएं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अगेन इसमें कोई बदलाव नहीं है पांच हमारे विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं आप सब जानते हैं। एक बार आरओस के बारे में ब्रॉडली बता दें सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के आरओ सोनकच्छ के एसडीएम हैं देवास विधानसभा क्षेत्र के आरओ देवास के एसडीएम हैं बागली विधानसभा के आरओ बागली एसडीएम हैं कन्नौज खातेगांव विधानसभा के आरओ खातेगांव एसडीएम हैं और हाट पिपलिया विधानसभा के आरओ वो हमारी डिप्टी कलेक्टर प्रिया मैडम हैं। जारी किए जाते हैं सबसे पहला कोलाहल नियंत्रण जिसमें बेसिकली प्रचार प्रसार में या फिर इन जनरल भी जो लाउड स्पीकर्स का यूसेज है उसको रेगुलेट किया जाए। दूसरा हमारा संपत्ति निरूपण अधिनियम जिसके बारे में अभी आपको बताया मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट एक क्राइम है और इसको 72 घंटे के बाद में बहुत स्ट्रिक्टली किया जाएगा और प्रयास तो हमारा यही है कि आप भी 24 घंटे में ही पूरा का पूरा उसको इम्प्लीमेंट कर दें। इसके बाद शस्त्र प्रतिबंध आदेश प्रत्येक लाइसेंस के संबंधित थाना लिखा होगा तो उस लाइसेंस को थाने पे इस पूरी अवधि में लाइसेंसी बंदूकों का उपयोग निषेध। इसके अलावा सर्किट हाउस रेस्ट हाउस वगैरह इसमें नियम ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कैंडिडेट इनका यूज कर सकता है ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस और पेमेंट के लिए बशर्ते इन पब्लिक प्रॉपर्टीज का यूज कैनवासिंग के लिए भी आराम के लिए कर सकते हैं बट इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मोनोपोली नहीं रहेगी ये सबके लिए है बट अगेन जैसा कि मैंने कहा पहले आओ पहले पाओ बेसिस। और अभी आपको बताया था कि सुविधा है हमारे इलेक्टोरल रोल के बारे में तो जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसमें टोटल जो हमारे मतदाता हैं 12,13,070 मतदाता हैं। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया आज ही चालू है नाम जोड़ने की प्रक्रिया नॉमिनेशन तक चलती है 7 दिन लगते हैं नाम जोड़ने की प्रक्रिया में तो नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले तक कहने का मतलब हम फॉर्म देते हैं बट आज से नाम डिलीशन जो सुबह मोटू करते थे हम अब वो करना बंद हो गया।
तो कहने का मतलब अब इसमें से हमारी वोटर संख्या बढ़ेगी कम। इसको बाइफरकेट करें तो पुरुष हमारे 619,583, महिला 593,474 और अन्य कैटेगरी में 13। जैसा कि हम जानते हैं कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जो कि बॉर्डर में हैं, एम्बेसीज में हैं, जो यहाँ पर वोट डालने नहीं आए, उनके लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान है। ऐसे सर्विस वोटर्स के लिए कहा जाता है। सर्विस वोटर्स हमारे कुल मिला के 15-17 पूरे जिले में हैं। जेंडर रेशियो मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में हमारी 958 महिलाएं हैं। इस बार दो विशेष चीजें भी हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांगजन हमारे 9267 है और 80 वर्ष से अधिक आयु के हमारे 17,871। जैसा कि हम जानते हैं आज माननीय आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, पोलिंग डेट्स का, काउंटिंग के डेट्स का, और उसी के साथ आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कर दिया गया है। आज पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग लेकर, सभी अधिकारियों की मीटिंग्स लेकर और मीडिया साथियों की मीटिंग लेकर ब्रीफ कर दिया गया है कि एमसीसी के दौरान हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। एमसीसी के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस का एक ही मकसद रहेगा कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से हो। जो चुनाव आयोग के नियम हैं उनका 100% पालन किया जाए। जो चुनाव आयोग के द्वारा व्यय की सीमाएं तय की गई हैं उन सीमाओं का पालन किया जाए। इसके अलावा कोई भी वल्नरेबिलिटी ना हो और व्यक्ति निष्पक्ष ढंग से अपना चुनाव संपन्न करवाने में सक्षम महसूस करे और पोलिंग बूथ पे आके फ्री एंड फेयर तरीके से अपना वोट डाले, इसकी सारी व्यवस्थाएं इस पूरी एमसीसी की प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित की जाए। ये बिंदु सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चर्चा की गई थी। यदि हमारे कोई प्रत्याशी या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स किसी पंडाल पे जाते हैं तो पंडाल पे जाना बिल्कुल अलाउड है, बट वहाँ पर वोट्स गार्नर करना या पॉलिटिकल कैनवासिंग करना वो अलाउड नहीं है। यदि इस प्रकार की घटना होती है कि वहाँ पर पॉलिटिकल कैनवासिंग की जाती है तो जो पंडाल का खर्च है वो कैंडिडेट के खर्च में जोड़ा जाएगा।